आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग। लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों के चेहरे पर पुलिस ने लगाया काला टीका। शनिवार को दिन में लगभग 11 बजे जिला पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे नगर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सख्ती का निर्देश दिया गया। इस दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुतहट्टी तिराहे पर 11 बजे नगर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले लोगों को काला टीका लगाकर दंडित किया गया, ताकि उनके घर जाने पर सभी सदस्यों को यह संदेश मिले कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर यह काला टीका लगाया गया है। इस दौरान कोतवाली प्रभारी पवन उपाध्याय ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। भंडारी चौकी प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सभी लोग अपने घरों में रहे प्रशासन के रोस्टर के हिसाब से सामानों की खरीदारी करें, अनावश्यक कार्यों के लिए कदापि बाहर न निकले। इस दौरान भंडारी चौकी पुलिस टीम के साथ उपस्थित रहे। देखिए, हमारा शासन और प्रशासन, पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय, सभी लोग चिंतित हैं। पत्रकार बंधु भी खुद चिंतित हैं कि परिवार के लोग, अपने परिवार का ये लोग ध्यान रखें और घरों में लॉकडाउन को ना तोड़ें। इसी परिपाटी में हम लोगों ने आज अभिनंदन किया है, इनका काला टीका लगा के अभिनंदन कर रहे हैं कि जिससे घर में जाएँ और पता चले कि हम लोग लॉकडाउन को तोड़ के आ रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन है, कृपया करके आप लोग भी ये बताएं कि काला टीका का मकसद ये है कि घर वाले भी समझ जाएं कि लॉकडाउन का पालन करके नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन को तोड़ के आ रहे हैं, इसलिए घर जाएं तो इनको थोड़ा सेम महसूस हो और परिवार वाले भी इनको घर से बाहर ना भेजें और परिवार वाले भी लोग, आसपास के लोग भी ना घरों से निकलें। हमारा मकसद सुरक्षा और संक्रामक से रोकथाम है, संक्रामक को रोकथाम करना, बस यही हमारा मकसद है, यही प्रशासन का मकसद है। हमने पुलिसकर्मी को भी एक को लगाया है, छोड़ किसी को नहीं रहे। जो अनावश्यक घूमेंगे, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई हो, अगर अनावश्यक घूमेंगे तो उन सबका इसी प्रकार अभिनंदन किया जाएगा और अगला स्टेप और कठोर होगा अगर नहीं मानेंगे। आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग।